Welcome back to my channel Concepts in Detail. I hope you all are doing good and my videos are helping you all. So aaj hum karenge international politics ki second approach, that is idealistic approach. So I hope idealistic approach hai wo aapko acche se samajh lagi hogi aur aapke liye helpful bhi hogi. So isi tarah aaj hum karenge apni second approach, that is idealistic approach. ठीक है, तो जिन्होंने भी जो है रियलिस्ट वीडियो नहीं देखी तो वो सबसे पहले वो देख ले, सो दैट कि आपका जो है एक बैकग्राउंड जो है वो क्लियर हो जाए और आपका जो बेस है या फाउंडेशन है वो एक रेडी हो जाए. ठीक है, क्योंकि अगर आप एकदम से आइडियलिस्ट अप्रोच करोगे सो मे बी जो आपको जो है वो समझ ना लगे. ठीक है, सो जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो 2 मिनट निकाल कर एक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है प्लीज़ लाइक करें. एंड विदाउट एनी फर्दर आई डू लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. सो इंट्रोडक्शन में उन्होंने कहा, इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी और जो इसका लिंक है जो रियलिस्टिक अप्रोच का है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और रियलिज्म की डिस्क्रिप्शन में आपको आइडियलिस्ट अप्रोच का जो है वो लिंक मिल जाएगा. आप सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो सेकंड पार्ट्स के लिए, आपको जो है वो ईजिली मिल जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन. सो पोलिटिकल साइंस कहते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस की जो हिस्ट्री है वो उतनी ही पुरानी है जितनी कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो हमारी पुरानी है. तो कहते हैं जो फर्स्ट जो फेमस जो मेन फेमस जो है इसके फिलोसोफर ग्रीक फिलोसोफर माने जाते हैं वो है प्लेटो. तो जो है इनको प्लेटो को जो है जो मेन आइडियलिस्ट थिंकर जो है फर्स्ट जो है आइडियलिस्ट थिंकर जो है वो कंसीडर किया जाता है. आइडियलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, फ्यूचर का ज़्यादा सोचते हैं विदाउट बोदरिंग कि पास्ट हमारा कैसा था और हमारा प्रेजेंट क्या है. वो मेनली जो है फ्यूचर पे फोकस करते हैं कि फ्यूचर को हम जो है वो कैसे बेटर बना सके. ऐसे प्रिंसिपल वो ले डाउन करते हैं, ऐसे सिद्धांत वो बनाते हैं जिससे उनका फ्यूचर बेटर हो जाए. उनको वो जो है प्रेजेंट और पास्ट को जो इतना बोदर नहीं करते. ठीक है, तो कहते जो प्लूटो जो प्लेटो था, मेरे मुँह से प्लूटो निकल रहा है तो कहीं पे भी अगर प्लूटो निकले तो आप समझ जाना कि मैं प्लेटो बोल रही हूँ. ओके, सो जो प्लेटो है उसने मेनली जो है आइडियलिस्ट स्टेट की जो है एक आउटलाइनिंग जो है वो प्रिपेयर की थी कि आइडियलिस्ट स्टेट जो है वो होती कैसी है. ठीक है, तो कहते हैं सिमिलरली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी जो है जो आइडियलिस्टिक के सपोर्टर है उनका ये मानना है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसी बनानी चाहिए जो क्या करे प्रिंसिपल बना सके किसके आइडियलिज्म के और आइडियलिस्ट अप्रोच के. ठीक है, सो दैट की जो आने वाली जनरेशन है उनको क्या मिल सके, गाइडेंस मिल सके, वो जो है आगे जाके पावर के लिए जो स्ट्रगल है करते हैं आजकल सारी स्टेट वो उसको एलिमिनेट कर सके. ठीक है, कहते हैं जैसे कि हम देखते आए हैं कि कैसे जो है World War I ख़त्म हुई और उसके बाद कितना ज़्यादा जो है डैमेज हुआ सभी जगह पर, है ना. तो कहते अगर वो ऐसा नहीं होता, अगर उस टाइम क्या होती, एक आइडियलिस्ट अप्रोच होती. ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि क्योंकि इसका मानना था प्लेटो का कि या आइडियलिस्टिक फिलोसफर का ये मानना था कि कभी भी जो है जैसे अब World War I ख़त्म हुई. ठीक है, तो उसके बाद ख़त्म वो हुई, उसके बाद वो क्या करते हैं ट्रीटीज़ ऐसी ले लेते हैं, मतलब संधियाँ वो ऐसी कर लेते हैं कि जो और भी ज़्यादा काम ख़राब करती हैं ना. बाद में कोई ना कोई ट्रीटीज़ कर लेते हैं. ठीक है, फिर बाद में जो है बैठ कर वो बात करती हैं ट्रीटीज़ के टाइम. तो कहते हैं वो ये जो वो बाद में कर रहे हैं वो ही वो पहले कर लें. ठीक है, पहले बैठ कर जो है वो बात कर ले तो ये जो World War I है, जो वर्ल्ड वॉर है वो होगी ही नहीं, या वॉर्स जो है वो होगी ही नहीं. ठीक है, आगे है कहते कि हमें जो है कुछ ऐसे प्रिंसिपल जो है वो बनाने चाहिए सो दैट कि जो है पूरे वर्ल्ड में क्या हो, पीस इस्टेब्लिश हो. ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि एक थ्योरी होनी चाहिए. ठीक है, सो दैट कि इसमें प्रॉपर प्रिंसिपल और पॉलिसीज वगैरह लिखी हों सो दैट कि वो लोगों को गाइड कर सकें और जो भी वॉर्स वगैरह वो रुक जाए. ठीक है, लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिल सके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लेवल पर. तो कहते इसके बाद क्या कौन सी अप्रोच आई, आइडियलिस्ट अप्रोच आई. उन्होंने बैठ के जो पूरे अपनी थ्योरीज वगैरह लिखी तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या किसका एडवेंट हुआ, आइडियलिस्टिक अप्रोच का है. ठीक है, तो कहते जब ये 2 वर्ल्ड वॉर्स के पीरियड चल रहा था उस टाइम पर जो है आइडियलिस्टिक व्यू पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ. और कहते वेरियस ये सारे जो आइडल्स हैं या
थिंकर्स हैं जैसे कि महात्मा गांधी, शिकार रूसल, विल्सन, ये सारे जो है मेन सपोर्टर्स थे किसके, आइडियलिस्टिक अप्रोच के, ठीक है। तो आई होप ये आपको जो है मेन बैकग्राउंड क्या था आइडियलिस्टिक अप्रोच का वो समझ आ गया होगा कि ये बेसिकली जो है वॉर नहीं चाहते, ये पीस चाहते हैं कि सारी जगह क्या हो, पीस हो, लोग जो है आराम से बैठ कर जो है वो बातचीत करके सोल्व हो जाए बात, तो अच्छा है, ठीक है, वो आर्म्स वगैरह का इतना यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली इनकी ये थिंकिंग थी, तभी महात्मा गांधी भी वॉयलेंस के अपोज थे, है ना। तो आपको भी पता है कि प्रैक्टिकली ये बात जो क्या है पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आगे वो ये क्रिटिसिज्म में देखेंगे। सो ये था इसका बैकग्राउंड, ठीक है। आगे है कि जो आइडियलिस्ट अप्रोच है वो ऑपोजिट है किसके, रियलिज्म अप्रोच के। उन आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो है, जो रियलिस्टिक अप्रोच, जो रियलिस्ट अप्रोच है वो अगेंस्ट है ह्यूमैनिटी के, ठीक है। और कहते जो आइडियलिज्म है वो एक अच्छी अप्रोच है और वो इम्प्रूव करती है पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन को, वो वॉर को एंड करती है, सभी जगह इक्वलिटी लाती है, पॉवर्टी को कम करती है, ये सारी चीज़ें वो करती है, ठीक है, वॉयलेंस का अपोज करती है। तो जो आइडियलिज्म है वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू रियलिज्म अप्रोच अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्टिक थिंकर, ठीक है। ये ज़्यादातर क्या करती है, एजुकेशन को और अच्छा करती है, ठीक है, और पावरफुल एजुकेशन को और इम्प्रूव करती है, लोगों में इक्वालिटी बनाती है, ठीक है, वो मेनली और वायलेंस को डिक्रीज़ करती है, ये सारा कुछ जो है इसमें लिखा हुआ है। तो इनके अकॉर्डिंग जो है आइडियलिज्म ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर रियलिज़म, ठीक है। लेना डेफिनेशन कर लेना इसमें से, इसकी कर लेना, या फिर एक मिनट आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज़ मैंने पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है, ठीक है, या फिर आप इसमें से लिख लेना, ठीक है, जो भी आपको इजी लगती है अपने अकॉर्डिंग बस लिख लेना एक आधी, ठीक है। नेक्स्ट जब हम करेंगे बेसिक अजम्पशंस, ठीक है, कि क्या क्या अज्यूम कर इन्होंने ये आइडियलिस्ट अप्रोच बनाई है, ओके। सो सबसे फर्स्ट जो है इसमें मैं आपको मेनली 6 to 7 करवा दूंगी, ज़्यादा आपको इससे अजम्पशन ज़्यादा करने की ज़रूरत जो है नहीं है कि आप सोचो 10 to 12 लिखोगे, नहीं, 6 to 7 आर इनफ, वैसे तो 5 इनफ है, बट 6 to 7 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में जाकर मे भी आपको 6 याद रहे या 5 याद रहे, तो अगर आप 5 करके जाओगे सो डिफ़िकल्ट हो जाएगा दैट टाइम, ठीक है, क्योंकि आपको याद नहीं रह सकते इतनी पॉइंट्स। पॉइंट इज जो है ह्यूमन का नेचर है वो कहते काफ़ी अच्छा है, ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल को एक दूसरे के हेल्प करनी चाहिए ताकि वो अच्छे से जो है कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर सके। अगला है कहते कि जो इंडिविजुअल है उसको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प से ही जो है उसकी डिवेलपमेंट जो है पॉसिबल होगी, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल जो है अकेला काम नहीं कर सकता, उसको किसी ना किसी की जो है हेल्प चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसको जॉब करनी है तो वो जॉब कोई देगा तभी वो जॉब करेगा, ठीक है। अगर वो चाहता है मैं अपना बिजनेस कर लूँ तो उसको अपने कस्टमर्स तो चाहिए ही होंगे, इसलिए कोई ना कोई जो है इंसान उसको चाहिए ही चाहिए, कोई ना कोई उसको चाहिए ही चाहिए, अकेले में जो है उसकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती, तो ऐसे हर एक को जो है एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। अगला है कि बैड ह्यूमन बिहेवियर होता है वो किसकी वजह से होता है, बैड इन्वायरमेंट की, उसका इन्वायरमेंट जो है वो बैड है, इंस्टीट्यूशन में जो जहाँ पे वो रह रहा है या काम कर रहा है वो बैड है, इसलिए जो है उसका भी बिहेवियर क्या है बैड हो गया है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यही सारी चीज़ें जो बैड इन्वायरमेंट है और बैड इंस्टीट्यूशन है वो उसको बुरी चीज़ों में धकेलती है और वॉर्स पे एट द एंड लेके जाती है, ठीक है, या झगड़े वगैरह में लेके जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो वॉर है वो क्या करता है, वर्स्ट फीचर, सबसे बुरा फीचर दिखाता है किसका, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस का, ठीक है, कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है समझो इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, सभी के अपने अपने रिलेशंस हैं, ठीक है, तो अगर इसमें वॉर हो गई तो सारे रिलेशन के साथ जो है वो वर्स्ट फीचर दिखाएगा कि आपस में जो है इनके रिलेशंस ही अच्छे नहीं हैं। नेक्स्ट है 4 पॉइंट हो गए हमारे, कहते जो वॉर है वो इनएविटेबल है, मतलब ये आती ही आती है, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, बट कहते हमें एंड ऐसी इंटरनेशनल लेवल पर अरेंजमेंट ऐसे बनाने चाहिए जिसे क्या हो कि ये जो वॉर्स वगैरह हम उसको एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। आगे है कोई और इजी अगर मैं देखूं तो कहते जो आइडियलिज्म है वो क्या करती है, डिक्टेटरशिप वगैरह को या एक ही इंसान के रूल को वो क्या करती है, रिजेक्ट करती है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ये होगा तो अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो नहीं रहेगा। तो आप 10th पॉइंट कर लो, इसका मतलब है कि जो आइडियलिज्म है या आइडियलिस्ट लोग अप्रोच है वो हमें क्या बताती है, वो हमें बताती है कि जो मोरालिटी है, ठीक है, मोरल वैल्यूज़ की, अगर कोई ऐसे झगड़ा हुआ या कोई बात हो रही तो हमें बैठ के सोल्व कर लेनी चाहिए, हमें वॉर नहीं करनी चाहिए, ऐसे मोरल वैल्यू जो है वो इसको
इंपॉर्टेंस देती है। चिका कहते हैं मॉरल वैल्यू की वजह से क्या होता है, जो डिज़ायर रिजल्ट होते हैं वो बड़े अच्छे आते हैं, मीन्स सुलझे हुए डिसीजन जो है हम ले पाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी अजम्पशंस थी। आई होप ये आपको 7 to 6 जो है पॉइंट समझ आ गए होंगे, आप इसको ज़रूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियलिस्टिक अप्रोच। अब इसके फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आएंगे तो आपने इसमें ये लिखना है। सबसे पहला है मैन इज़ गुड बाय नेचर, कि जो मैन है उसका नेचर क्या है, गुड है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि जो आइडियलिस्टिक अप्रोच के थिंकर हैं उनका मानना है कि मैन जो है उसका नेचर जो है काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और उसमें जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं, जैसे कि काइंडनेस है, कंपैशन है, लव है। ठीक है, तो इन्हीं सारी क्वालिटीज़ के कारण वो एक अच्छा इंसान है। ठीक है, वो उन्होंने कहा है कि हर एक इंसान को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प से ही उसकी जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल होगी। नेक्स्ट है ऑपोजिशन ऑफ वॉर, कि जो आइडियलिस्टिक अप्रोच के थिंकर हैं वो बोलते हैं कि हमें जो है वॉर नहीं करनी चाहिए, वो वॉर के अपोज हैं। ठीक है, वो वॉर के अगेंस्ट है। वो कहते हैं कि जो वॉर है वो क्या करती है, जो ह्यूमैनिटी है उसको डिस्ट्रॉय करती है, और पीपल को जो है काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है इसकी वजह से। जैसे कि हम वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में देखते आए कितने लोग जो है वो उसमें मरे हैं। तो कहते हैं हमें ऐसे इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल चीज़ें बनानी चाहिए जिससे वॉर जो है वो कम हुए, और जो आर्म्स वगैरह हैं कम यूज़ करना चाहिए, सो दैट कि वॉर्स में जो है इतनी ज़्यादा डैमेजेस या डिस्ट्रक्शन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है पावर इज़ नॉट सेंट्रल टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कि हम देखते हैं जैसे हम इंटरनेशनल के पॉलिटिक्स कितने सारे चैप्टर करके आए हैं, तो उनमें हमने देखा कि कैसे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या है, हर तरफ पावर 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 के लिए जो है वो सारी स्टेट्स भागती हैं कि वो सबसे पावरफुल बने, वो सबसे पावरफुल बने। तो जो आइडियलिस्टिक अप्रोच के थिंकर हैं वो बोल रहे हैं कि पावर जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सेंटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि है ना इस टाइम, तो वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पावर के कारण ही जो है काफ़ी सारी लड़ाइयाँ या वॉर होती हैं। ठीक है, या जेलिसी आती है। ठीक है, कॉम्पिटिशन आता है जो कि बैड इन्वायरमेंट जो है वो पैदा करता है, या बैड क्वालिटीज़ पैदा करता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इसमें ओके आगे देखो, यहाँ पे लिखा है कि जो है कहते जो अकॉर्डिंग टू दीज थिंकर्स की जो पावर है वो इनक्रेज करती है वॉर्स को, जिससे काफ़ी ज़्यादा वास्ट डिस्ट्रक्शंस होती हैं। कहते अगर चाहे वॉर ख़त्म भी हो जाए, पर ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगाए जाते हैं, सो दैट कि जो है परमानेंट सोल्यूशन हमें फाइनली फाइंड हो जाए। बट कहते ये सारा कुछ जो है वॉर के पहले भी हो सकता है। ओके, सो फोर्थ है हमारा वैल्यू बेस्ड अप्रोच, कि जो आइडियलिस्टिक अप्रोच है ना वो अपनी वैल्यूज़, ठीक है, उसकी जो जो वैल्यूज़ हैं वो अपनी वैल्यूज़ के ऊपर जो है एक अप्रोच जो है वो बेस्ड है। उसकी कौन कौन सी वैल्यू हैं, कि भाईचारे से रहना चाहिए, ठीक है, ह्यूमन सर्विसेज एक दूसरे को देनी चाहिए, पीसफुल तरह से रहना चाहिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन करनी चाहिए, सो दैट कि जो ऐसे प्रिंसिपल्स उसने बनाए हैं जिससे क्या हो उसका जो फ्यूचर है वो अच्छा हो सके इंसान का। ठीक है, मतलब उन्होंने जो है मेन जो है स्ट्रेस या फोकस किस पे किया है, फ्यूचर के ऊपर। आगे है रिजेक्शन ऑफ टोटलिटेरिज्म, रिजेक्शन ऑफ टोटलिटेरिज्म। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो आइडियलिस्ट थिंकर हैं वो कहते हैं कि अगर एक ही मैन जो है वो पावर में रहा तो वो क्या करेगा, करप्ट करेगा, करप्शन करेगा। ओके, तो क्योंकि एब्सोल्यूट पावर जो है किसके पास होगी, एक ही इंसान के पास होगी, और वो जो हैं ये थिंकर जो हैं वो इसके अगेंस्ट है कि एक ही इंसान के पास इतने सारे एब्सोल्यूट पावर नहीं होने चाहिए, ना ही एक पर्टिकुलर एसोसिएशन होनी चाहिए जो रूल कर रही है, ना ही एक जो है इंडिविजुअल होना चाहिए जो रूल कर रहा है। ठीक है, तो वो इसके अगेंस्ट है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू डैम जो ये क्यों एक ही मैन अगर रूल करेगा तो एक ग्रेटर थ्रेट है किसके ऊपर, वर्ल्ड पीस में। ठीक है, क्यों, तो वो इसके अपोज है, क्योंकि वर्ल्ड पीस को वो क्या करेगा, टोटली अपोज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब फेथ इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमें फेथ रखना चाहिए किसमें, अपनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अब यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशन या और बड़े बड़े
लीग ऑफ नेशंस थी पहले, ठीक है, इन सारी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इस पर हमें फेथ रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जो है बैठकर हमारे मसलों को हल कर सकती है, ठीक है। जो स्पोर्टर्स या आइडलिस्ट अप्रोच के वो कहते हैं कि हमें फेथ रखना चाहिए क्योंकि हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर, क्योंकि ये जो है पूरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें, हमारी इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स हैं उसको सोल्व करने के लिए। जो फेमस आइडलिस्ट थिंकर हैं अमेरिकन जो प्रेजिडेंट भी रहे हैं वुड्रो विल्सन, उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था किसमें, लीग ऑफ नेशन बनाने के लिए, ठीक है, जो कि कब बनी थी यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, मतलब आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1919 में जो है लीग ऑफ नेशन बनी थी, 1919 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ख़त्म हुई, तो आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना, तो उसके बाद जो है वो बनी थी 1919 में एट वर्सायल्स लीग ऑफ नेशन तो है, तो कहते आफ्टर दिस कहते 1945 में, ठीक है, 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई ऑफ नेशन को ही बदलकर उसका न्यू जो है फॉर्मेशन की थी यूनाइटेड नेशंस की, ओके। तो कहते हमें जो है इन पे फेथ रखना चाहिए, ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करेगी एट इंटरनेशनल लेवल। स्पॉटर्स ऑफ इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड स्टेट, तो इन आइडियलिज्म की ये एक थिंकिंग है, वो ये चाहते हैं कि सारी स्टेट्स मिलकर जो है पूरे वर्ल्ड पर एक फेडरेशन बनाए, मतलब एक अपना एक ग्रुप बनाए, सो दैट के अलग अलग स्टेट के बजाय पूरे वर्ल्ड में एक ही स्टेट जो है वो मिलकर हम एक ही स्टेट बने, हम एक ही ग्रुप बने, तो इनका ये मानना है जो कि पॉसिबल नहीं है ना, वो तो चलो हम क्रिटिसिज्म में करेंगे। सो दैट की कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बंद हो जाए, ठीक है, हर जो है नेशन वो एक भाईचारे से रहे, ताकि ये चीज़ फिर ख़त्म हो जाएगी कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ उसकी है, माइन एंड थाइन की जो फीलिंग है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी अगर हम एक ही जो है स्टेट बन के रह जाएंगे, है ना, कोई जो है स्टेट नहीं भागेगा कि मैं पावरफुल बनूँ, मैं पावरफुल बनूँ, कोई आपस से लड़ेगा ही नहीं, अगर सभी को ये पता है कि वो एक ही स्टेट है और उनको एक ही बन के रहना है तो वो क्यों लड़ेंगे, है ना, वो सभी की हेल्प करेंगे। बट आज के टाइम जैसे हम देख रहे हैं सभी पावरफुल बनने के पीछे भाग रहे हैं, चाइना, यूएसए, रशिया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, गलत है। अगर ये हम सारी एक ही स्टेट होती तो आज के टाइम पे ये सिनेरियो नहीं होता। तो कहते अगर हेटेड की फीलिंग है वो नहीं आएगी अगर हम एक ही स्टेट बन के रहेंगे, सोचा तो इन्होंने, ठीक है, वो बात अलग है कि ये पॉसिबल हो नहीं पाया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं क्या ख़त्म हो जाएंगी। और दिस आइडिया ऑल्सो वर्क बिहाइंड द यूनाइटेड नेशन जो है बनाने का यही आइडिया था। यूनाइटेड नेशन का मतलब यही है ना कि सारे नेशन जो हैं वो यूनाइट होकर रह रहे हैं, ओके। आगे इम्फोसिस ऑन एजुकेशन, रीज़न एंड साइंस, तो ये आइडियलिज्म जो है वो एजुकेशन या साइंस को जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो नेगेटिव टेंडेंसी है जैसे कि जेलेसी, ना, क्वेस्ट फॉर पावर, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हर एक स्टेट को एक्सप्लॉयट कर देती हैं, उनमें जो है नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं। कहते बल्कि हमें क्या करनी चाहिए, पॉजिटिव टेंडेंसीज को जो है अडोप्ट करना चाहिए, जैसे कि कोऑपरेशन, म्यूचुअल लव, कंपैशन, हेल्पिंग अदर्स, ठीक है। आइडियलिस्ट आर ऑप्टिमिस्ट क्योंकि फ्यूचर का पॉजिटिव सोचते हैं, तो आइडियलिज्म क्या है, एक ऑप्टिमिस्ट है, तो ये वाली पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो लानी चाहिए। और ये ज़्यादातर एजुकेशन, रीजन एंड साइंस पर जो है वो इम्फोसिस देता है ज़्यादा। इंपॉर्टेंस ऑफ मोरालिटी, जैसे मैंने बताया ना कि ये अपनी वैल्यूज़ पर जो है बेस्ड है, इसकी मोरल वैल्यूज़ होती हैं कि जैसे वॉयलेंस को ख़त्म करना, ठीक है, ये हाई वैल्यूज़ रखना, मतलब है ना, तो जेलेसी वगैरह कम करनी, सारी मोरल वैल्यूज़ की मोरल्स वैल्यू हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग कि हमें जो है मॉरल वैल्यूज़, मॉरल प्रिंसिपल बनाने चाहिए और इसी के ऊपर जो है हमें वर्क करना चाहिए। इसके ऊपर वर्क अगर हम करेंगे तो औरों को भी जो है आने वाली जनरेशन को भी गाइडेंस मिलेगी और जो है पूरा इन्वायरमेंट है वो पीसफुल रहेगा और वहाँ पे जो है वॉर वगैरह ऐसी चीज़ें कम होंगी, ओके। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्रिटिसिज्म, ठीक है। क्रिटिसिज्म एग्जैक्टली सेम है, जो इसने फीचर्स में पॉइंट लिखे हैं ना वो ही हमने इसको उल्टा बता देना है। क्रिटिसिज्म में पॉइंट सिमिलर ही रहेंगे, ठीक है, बस नेम थोड़े बहुत चेंज होंगे, बाकी चीज़ें सेम है, आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा याद करना। सो सबसे पहला पॉइंट है क्रिटिसिज्म का, दैट इज़ इमेजिनरी व्यू पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो
इसका मतलब ये है कि जो आइडियलिज्म है वो उसने क्या किया हुआ है, सभी चीज़ों की जो है एक प्रैक्टिकल अप्रोच दी है, मींस उसने ऐसी बातें जो है सोची हैं जो एक इमेजिनरी है और उसका को क्या है कोई भी जो उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। वो बोल रहा है कि बैठकर जो है वो बात सोल्व कर लो, पर क्या जो इतने ज़्यादा दुश्मन है वो बैठकर बात सोल्व कर पाएंगे? किसी ना किसी एक को जो है एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब यूक्रेन और जो है रशिया की वॉर हो रही है, ठीक है। हालांकि जो यूक्रेन है इतना छोटा है एज़ कम्पेयर टू रशिया, पर क्या दोनों जो है वो बात कर पा रहे हैं बैठकर? नहीं कर पा रहे। क्यों? जब तक एक एडजस्ट नहीं करेगा तब तक तो जो है दूसरे दोनों की जो है वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं होंगी। तो जो है कहते हैं इसने जो हमें सोल्यूशन दिए हैं हमारी प्रॉब्लम्स के वो प्रैक्टिकल ही नहीं है, हमें प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए अपनी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व के टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट देयर सुजेशन। वही बात कि जो उसने आइडियलिज्म, वो भी आइडियलिज्म के जो भी थिंकर उन्होंने जो जो हमें सोल्यूशंस दिए हैं या सुजेशन दिए हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है उनको क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिकल शेप देना। क्या करना? इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिकल शेप देना। जो आइडियलिस्ट है ना, ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कोई भी जो है आर्म्स वगैरह मत यूज़ करें, वेपन्स वगैरह मत यूज़ करें। वही बात आपने दोबारा लिखनी है कि उसने कोई और जो है जो जो उसने सोल्यूशन बोल दिए हैं वो हम उसको प्रैक्टिकली जो है उसको लगा नहीं सकते, किसी भी एक उसके जो है पॉइंट्स का एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू अबे नॉट टू टू अबे और नॉट टू अबे इंटरनेशनल लॉज डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द स्टेट्स। इसने कहा है, अब आइडियलिज्म ने कहा है कि आप क्या करो, एक जो है रूल्स ऐसे बना दो इंटरनेशनल लेवल पर कि कोई भी उसको ब्रेक ना कर पाए और सभी जो उसको फॉलो करें। बल्कि रियल में ऐसा क्या है कि हर एक जो है कंट्री जो है वो उसकी मर्जी है कि वो लॉज को माने या ना माने, ओबे करे या ना करे, क्योंकि हर एक स्टेट की अपनी सॉवरेंटी अपनी बात है, तो वो उसको ओबे करे या ना करे वो उसके जिम्मे के ऊपर है, ठीक है। या फिर उसको जो भी है इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है वो उसको इग्नोर करे, वो उसकी मर्जी है स्टेट की। सो इस वजह से जो है उसने जो हमें बात बोली है वो एकदम रॉन्ग प्रूफ हो गए, मतलब करेक्ट ही नहीं है आज के टाइम पे। नेक्स्ट है इनफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमने अब देखा फीचर्स में कि जो हमारा वो उसने कहा, एडलिज़म ने कहा है कि हमें क्या करना चाहिए, फेथ रखना चाहिए किसके ऊपर, हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, क्योंकि वो ही सभी चीज़ सोल्व करेगी। बट इन रियलिटी कहते हैं लीग ऑफ नेशन, ठीक है, लीग ऑफ नेशन के होते हुए भी क्या हुई, वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो हुई, तो क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के होते हुए भी एट द टाइम क्या हो रही है, रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रही है, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर रही, उसमें फिर तक कर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो उनके होते हुए भी जो है वो वॉर्स हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन इज़ जस्ट अ ड्रीम। कि उसने कहा था कि हम पूरी एक सारी स्टेट मिलकर एक ही वर्ल्ड स्टेट बनाएंगे और सभी जो है इकट्ठे रहेंगे, बट कहते ये एक जस्ट एक ड्रीम है। कोई भी जो है आज के टाइम जो स्टेट है वो एक स्टेट बनकर नहीं रहना चाहती, और हम किसी को ज़बरदस्त जो है एक वर्ल्ड फेडरेशन में बना भी नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक जो स्टेट है वो अलग रहती है और वो अलग जो है उसकी अपनी सॉवरेंटी है, वो आना चाहे ना चाहे उसकी मर्जी है, और कोई भी जो है आना नहीं चाहती, ठीक है। तो ये है जो है आज का टुडेज वर्ल्ड का क्या है वो सिनेरियो है कि वर्ल्ड फेडरेशन जो है वो बन ही नहीं सकती, एक जस्ट एक ड्रीम है। वन फेथ इन द नेचर ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब ये है कि आइडियलिस्ट अप्रोच ने कहा था कि जो मैन है वो क्या है, एक बड़ा अच्छा है, उसका बिहेवियर बड़ा अच्छा है और बड़ा काइंडनेस है उसमें, ये सारा कुछ उसने बताया था, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। जो मैन है वो बड़ा ही ज़्यादा ग्रीडी है, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, ठीक है, वो सेल्फिश और सेल्फिश बाय नेचर है, और वो सबसे ज़्यादा जो है अपने ही बारे में सोचता है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, उसको दूसरे देश से या दूसरे लोगों से लेने देना उसको कुछ भी नहीं है।
ओके नेक्स्ट है, जब वॉर होती है उनको थोड़ी कुछ होता है कि अब जैसे रशिया यूक्रेन वो लड़ रही है, उनको नहीं ना, रशिया को नहीं है ना कि कोई आम लोग मर रहे हैं या मैं उसको ना करूँ, नहीं, वो बस हर कोई जो है नेशन अपनी सेल्फिशनेस के या अपनी सेल्फिशनेस के अकॉर्डिंग ही जो है वो वर्क कर रहा है या फिर करता है। मोरालिटी एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैन नॉट गो टुगेदर। अब उसने कहा है कि हमें मोरल वैल्यूज़ के साथ काम करना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, हमें लव कंपैशन ये सारी फीलिंग रखनी चाहिए। बट क्रिटिसिज्म में ये पॉइंट आया है या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है कि मोरल वैल्यू और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो इकट्ठे जा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब क्यों नहीं हो सकता वो हम पढ़ते हैं। कहते हैं कि कोई भी नेशन ऐसा नहीं है जो अपने अपने जो है वो इंटरेस्ट्स को सैक्रिफाइस करे किसी और नेशन के लिए, ठीक है, ऐसे हो ही नहीं सकता, जिसकी वजह से जो है जो हमारी मोरालिटी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो इकट्ठे जा नहीं सकती। हर एक नेशन जो है अपने इंटरेस्ट्स को प्रेफरेंस देता है एज रादर देन कि दूसरे वाले को बोलता है कि नहीं आप ये चीज़ आप ले जाओ, आप ये देश आप ले जाओ, हम बैठ जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता और कहीं भी नहीं होता। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर द क्रिटिसिज्म एंड द आइडियलिज्म अप्रोच। आई होप ये आपको जो अप्रोच अच्छे से समझ लगी होगी। एंड इफ़ यू लाइक इट देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ आप वीडियोज़ को जो है वो लाइक कर दिया, तो प्लीज़ आप जो है 2 सेकंड निकाल के वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो। अब करते नहीं हो और कई लोग तो अब सब्सक्राइब भी नहीं करते, सो प्लीज़ आप वीडियोज़ को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड फॉर सपोर्टिंग मी। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।